Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So friends, आज discuss करने जा रहे हैं current affairs from 16 July to 31st July 22. तो मैंने आज इसमें top 50 questions लिए हैं जो most important questions हैं, चाहे आप banking की तैयारी कर रहे हो, staff selection या UPSC की. अगर आपने ये आज के 50 questions देख लिए, पढ़ लिए, तो आप current affairs इन 15 दिनों के बीच में जो होंगे वो आपके cover हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाते रहने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पढ़ लेते हैं, वेयर इज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क गोइंग टू बी बिल्ड. पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ बनने जा रहा है. तो इसमें ऑप्शंस है, पहला ए पंजाब, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु या डी केरला. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली. तो दिल्ली में हम आपको बता दें, हर साल 2 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसका सिर्फ 0.5% ही रिसाइकल किया जाता है. इसलिए इतने बड़े लेवल पे ई वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, रिफर्बिश किया जा सके, उसके लिए ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है. इन 20 एकर्स ऑफ लैंड, इतनी बड़ी जमीन पे इसको बनाया जा रहा है, जिससे कि एक साइंटिफिक और प्रॉपर वे में ई वेस्ट को हम लोग रिसाइकिल कर सके. फिर ये इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. देख लीजिए, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है वो पूछी जा सकती है. सो DSIIDC यानी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस ई वेस्ट इको पार्क. ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. हु हैज बीन अवार्डेड मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड. मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है. और ऑप्शन है आपके पास, ए प्रियंका चोपड़ा, बी लारा दत्ता, सी दिया मिर्जा या डी ऐश्वर्या राय. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिया मिर्जा. तो जो दिया मिर्जा जी हैं वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इंडिया की गुडविल एम्बेसडर हैं. तो उनको उनके एफर्ट्स के लिए, जो भी एनवायरनमेंट कैंपेन्स है उन्होंने उनको लीड किया, उसके लिए उन्होंने काम किया. तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस रिलेटेड उनको काम के लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड. और इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं मिस्टर अफरोज, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हिज वर्क इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी विल बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO. SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी. इसके ऑप्शंस है, ए वाराणसी, बी रामेश्वरम, सी औरंगाबाद या डी हरिद्वार. तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी. SCO के बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं. जो SCO है ये 8 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि उनके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करता है. तो ये एक रोटेशन बेसिस पे किया जाएगा. तो इसमें सबसे पहले वाराणसी को इलेक्ट किया है एज अ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल. आप जैसे जानते हो वाराणसी जो है वो एक बहुत ही पुरानी एंशियंट ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज है वर्ल्ड की. और इसके बारे में और SCO के बारे में हम आपको बताते हैं. तो अभी जो इसकी नेक्स्ट समिट है वो उज्बेकिस्तान में होने वाली है और फिर सितंबर में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिलने वाली है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि SCO की प्रेसिडेंसी किसको मिलने वाली है, तो इंडिया को मिलने वाली है. और किसके पास थी अभी तक, तो उज्बेकिस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो आप देख रहे हो क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो मैंने डिटेल्स ऐड करी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कोई क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has won 2022 Singapore Open Badminton title? 2022 Singapore Open Badminton का खिताब किसने जीता है? Options है, A साइना नेहवाल, B PV सिंधु, C वैंग जी, D कैरोलिना मैरिन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, PV सिंधु. PV सिंधु जी ने इस साल 3 टाइटल्स और जीत लिए हैं, स्विस ओपन, सैयद मोदी इंटरनेशनल और ये तीसरा सिंगापुर ओपन. अभी ये कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल रही हैं और हम लोग यही उम्मीद करते हैं वहां से भी कुछ ना कुछ मेडल लेकर आएंगी. ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस.
अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केरल। तो केरला को जो उनकी आईटी जो इनका प्रोजेक्ट है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, उनको आईएसपी लाइसेंस यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मिल गया है। तो इससे ये पहला स्टेट बन गया है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विस होंगी। इसके पीछे ये रीजन है स्टार्ट करने का, जिससे कि स्टेट में एक स्केलेबल और सिक्योर्ड वे में इंटरनेट एक्सेस मिल सके, सारे जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस है या हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे इंटरनेट प्रोवाइड करा जा सके, जिससे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिले और सब लोग इक्वल वे में अपना जो भी सर्विसेस है इंटरनेट की वो प्रोवाइड कराई जा सके स्टेट में। तो केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ एंड एमडी ऑफ एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है अगेन। एनएससी के अगले सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शंस है ए विक्रम लिमे, बी आशीष कुमार चौहान, सी माधवी पुरी बुज या डी भानु प्रताप शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी आशीष कुमार चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आशीष कुमार चौहान जी हैं वो पहले एमडी और सीईओ थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो अभी विक्रम लिमे ही करंट में थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ, तो अब उनकी जगह पे आशीष कुमार जी को सीईओ के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। उनके बारे में और डिटेल्स इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। ये जो आप ऑप्शन डी में नाम देख रहे हो भानु प्रताप शर्मा, ये नाम भी आपने सुना होगा, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन है। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं, आपके नाम सबके सुने रहते हैं बट आप कंफ्यूज कर जाते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन चेयरमैन है, तो इसलिए आपको सिस्टमैटिक रूप में ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनडीपी हैज पार्टनर्ड विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। यूएनडीपी ने किस राज्य सरकार के साथ डीकरा लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ये जो डीकरा है इसका फुल फॉर्म है डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू देयर क्रॉप्स, कि जैसे कौन से क्रॉप्स हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है और कौन से हैं जो कि बहुत वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। तो इस डेटा के थ्रू वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे और जिससे कि क्लाइमेट चेंज का उनके क्रॉप्स पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है दीकरा? तो ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच टू स्टेट्स हैव साइंड नामसाई डिक्लेरेशन टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी सीमा विवाद को हल करने के लिए किन दो राज्यों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू और अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास ए असम एंड अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम एंड मणिपुर, सी असम एंड सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स नामसाई डिक्लेरेशन क्या है? एक्चुअली एक स्टेट्स के रेसिडेंट एलिगेशन लगा रहे थे दूसरे स्टेट्स पे कि वहां के रेसिडेंट्स आके वहां की लैंड इंक्रोच कर रहे हैं। तो अभी तक ये जो सूट था ये सुप्रीम, इससे बहुत ज्यादा कह सकते दंगे फसाद हुए, काफी वायलेंस हुआ, डिस्प्यूट्स हुए, तो इसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सूट पेंडिंग है टिल 1989। ठीक है, तो अभी यही चल रहा है कि ये गांव है, ये विलेजेस ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं और ये असम में आते हैं, तो इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अभी जो इसमें डिस्प्यूटेड विलेजेस थे वो 123 थे जो कि अब रिड्यूस होकर अभी 86 हो गए हैं, जो कि अभी डिस्प्यूटेड हैं कि ये कौन से स्टेट में आते हैं। उसके लिए पूछा जा सकता है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, उन्होंने जो साइन किया उसको क्या कहते हैं, तो नामसाई डिक्लेरेशन साइन किया है। और हम लोग इसके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का आपको सीएम पता होना चाहिए तो वो है मिस्टर पेमा कंदू, और असम का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, और ये मैंने बता दिया नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड विलेजेस हैव रिड्यूस्ड टू 86 फ्रॉम 123। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच कंट्री हैज वन FIH विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 22? FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी नीदरलैंड, यस ये डी होगा, डी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नीदरलैंड। सो फ्रेंड्स, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हरा कर ये विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुए थे ये गेम्स, तो ये भी पूछा जा सकता है। दीज स्पोर्ट्स वर हेल्ड इन स्पेन एंड नीदरलैंड, ठीक है। और इसमें फिर फर्स्ट नंबर पे आपकी नीदरलैंड आई, थर्ड नंबर पे इसमें ऑस्ट्रेलिया रही थी, उसने जर्मनी को बीट किया। और साथ में इंडिया की बात करें सो इट हैज फिनिश्ड एट 9th स्पॉट, ओके। तो ये सब भी कुछ जानकारी है जो आप याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है डायरेक्टली यही पूछा जाए कि वेमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हेल्ड हुए थे। इसीलिए मैंने इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नीचे मैंने मेंशन कर दी है। तो आप ये सारी चीजें याद करते चलिएगा, एक बार आप वीडियो प्ले करके सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आप धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम पॉज करके अच्छे से याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का नाम बताइए। ऑप्शन ए सफाई, ऑप्शन बी नमस्ते, ऑप्शन सी स्वच्छ, ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब जो इसका नाम है इसी में इसका आंसर छुपा है, मैकेनाइज्ड, इसका पर्पस छुपा है, आप ये कह लीजिए। एक्चुअली जो क्या होता है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो काम होते हैं सैनिटेशन वर्कर्स के, तो उनपे बहुत ज्यादा इसके हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, काफी ज्यादा फर्टिलिटीज होती है, बहुत लोगों में बहुत बीमारियां हो जाती है, मर भी जाते हैं। इसलिए इस जो स्कीम है नमस्ते स्कीम, इसका मेन एम यही है, जो भी ये जो नाले हैं ड्रेनेज है इनको जो सफाई है इनके ऑटोमेटेड कर दी जाए, रोबोटिक्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू ये मैकेनाइज्ड कर दिया जाए ये सारा क्लीनिंग का सिस्टम। और जो फिर ये जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ढूंढी जा सके, ठीक है। तो नमस्ते का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च बाय एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप का नाम बताइए। ऑप्शन ए रेपोस पे, ऑप्शन बी चार्ज पे, ऑप्शन सी फ्री पे, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पे। एग्जाम में भी आप देखोगे तो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जो बहुत ही क्लोज लगते हैं, बट आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी रेपोस पे। तो रेपोस पे क्या है, ये एक ऐप है जिससे कि आप अपना मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकते हो और अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो एमएसएमई मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ये आप नाम याद रखिएगा, रेपोस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 55, या ऑप्शन डी 67। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 87। इस जो लिस्ट को टॉप किया है वो किया है जापान ने। जापान क्योंकि वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती है टू 193 कंट्रीज। अब क्या होता है फ्रेंड्स, वीजा फ्री एक्सेस देने से जो भी टूरिज्म है वो एक तो आपका सस्ता हो जाता है, आपको वीजा नहीं बनाना पड़ता है, साथ में हैसल फ्री हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। तो ये पासपोर्ट की एक तरीके से स्ट्रेंथ है कि अगर जापान से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 193 कंट्रीज के लिए वीजा की जरूरत नहीं है वहां पे ट्रैवल करने के लिए। तो जापान को नंबर वन रैंक मिली है विथ प्रोवाइड वीजा फ्री एक्सेस टू 193 कंट्रीज। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पासपोर्ट से यू कैन हैव वीजा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज। सेकेंड नंबर पे इसमें सिंगापुर है विच प्रोवाइड एन एक्सेस वीजा फ्री एक्सेस टू 192 कंट्रीज, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो रैंकिंग एंड इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। इंडिया की रैंक याद रखिए 87 रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज साइंड MOU विद विच कंट्री ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। भारत ने वन्य जीव संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगेन ये MOU रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी जाम्बिया, या ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नामीबिया।
तो इस एमओयू के पीछे गवर्नमेंट के मेन दो एम थे। पहला तो था जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पे जो लोग रह रहे हैं उन लोग के लिए कुछ लाइवलीहुड, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना जिससे कि वो अपना रोजमर्रा का जीवन बिता सके, और दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ चीता, चीता को वापस और इंडिया में लाने के लिए, उनके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कंजर्वेशन करने के लिए ये एमओयू साइन किया है। सो इट विल एस्टैब्लिश चीता इनटू हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वर्क प्लेस सोशल ऐप वाइवा एंगेज, किस कंपनी ने वर्क प्लेस सोशल ऐप वाइवा एंगेज लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजोन या डी फेसबुक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है टीम ऐप करके है, तो उसी पे वाइवा एंगेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि जो भी इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस के वो आपस में कनेक्ट हो सके, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं कंपनी में उनकी थॉट्स है, फीलिंग्स है, कुछ आइडियाज है वो इसमें शेयर कर सके। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग ऐप है जिसका नाम रखा है वाइवा एंगेज, और किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज न्यू कैपिटल एडुकेसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? फ्रेंड्स, हम आपको बता दें आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, साथ में नाबार्ड ग्रेड ए का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ये तीनों ही नोटिफिकेशन हमारी एड्यूसोलेस के चैनल पर है, तो आप जाकर उनकी जानकारी उसमें पूरी देख सकते हो और इन एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपसे जीए के सेक्शन में पूछे जाएंगे। चलिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 9% या ऑप्शन डी 12%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 12%। तो किसके लिए उन्होंने न्यू कैपिटल एडुकेसी रेशियो चेंज किया है आरबीआई ने? सो इट इज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट अबव ₹100 करोड़। ये अमाउंट भी पूछी जा सकती है, जो लिमिट है फॉर द डिपॉजिट अबव ₹100 करोड़ उनके लिए जो CAR हो गया है वो बढ़ के 9% था पहले लिमिट, उसको बढ़ा के इन्होंने 12% कर दिया है, एंड इट हैज टू बी अचीव्ड बाय मार्च 2026। तो टारगेट भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, सो इट इज मार्च 2026। शॉर्ट में हम आपको बता देते कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में। सो इट इज द रेशियो ऑफ Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल टू द रिस्क वेटेड असेट, मतलब बैंक के पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि कुछ लॉस आए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, और वो बहुत ज्यादा लेवरेज यानी बहुत ज्यादा रिस्की असेट्स में अपना डेट ना ले, तो जिससे कि जो डिपॉजिटर का पैसा है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए ये रेशियो 9% से बढ़ा के 12% कर दिया है। और जो अभी भी जो Tier 1 बैंक है जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से बिलो है, ठीक है 12% है फॉर अबव 100 करोड़, बट जो बिलो 100 करोड़ वाले डिपॉजिट वाले बैंक है उनके लिए जो CAR है वो 9% ही रहेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत, किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। तो जो डिजिटल लोक अदालत है फ्रेंड्स वो क्या है? अभी जैसे इंडिया की बात की जाए तो नीति आयोग ने रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया के इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस है कि उनको अभी रिजॉल्व करने जाए तो अराउंड मोर देन 350 ईयर्स लगेंगे ये सारे केसेस को खत्म करने में। और अभी एक बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक 108 साल पुराना एक लैंड केस पे वर्डिक्ट दिया था, तो आप ये समझ सकते हो कितने ज्यादा हमारे पेंडिंग केसेस है। तो इसीलिए ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया जा सके जिससे कि ये केसेस जल्दी सेटल किए जा सके, इसलिए सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत बनी है, और इसको किसने बनाया है? सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय जुपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजीज, इनके साथ मिलकर इसको बनाया जा रहा है। तो जिससे कि जो दूर दराज के जो गांव हैं, बस कस्बे हैं, तो वहां पे भी मोबाइल एप्स के थ्रू ये जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम किया जा सके और इसको जल्दी किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि 108 साल पुराने केस की अभी वर्डिक्ट दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा हमारे पेंडिंग केसेस हैं। तो इसलिए डिजिटलाइज किया जा रहा है, उसके लिए इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत बन रही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे बन रही है, तो राजस्थान में बन रही है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय जुपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which bank has been recognized as the world best SME bank by Euromoney? ये SME word पे जरूर ध्यान दीजिएगा. Euromoney द्वारा किस बैंक को विश्व सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? Options A, Deutsche Bank. Option B, Kotak Mahindra Bank. Option C, DBS Bank. या Option D, Indian Bank. तो इसका करेक्ट आंसर है Option C, DBS Bank. तो वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक के रूप में डीबीएस बैंक को चुना गया है. अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ वर्ल्ड बेस्ट बैंक बाय यूरोमनी, तो बैंक ऑफ अमेरिका था नंबर वन पे. और वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक आपसे पूछ लिया जाए तो उसके रूप में गोल्डमैन सैक्स को मिला है ये खिताब. ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने एसएमई बैंक के रूप में डीबीएस बैंक को मिला है. उन्होंने बहुत अच्छे से अपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन को अप्लाई किया जिससे कि जो एसएमईज है वो क्रेडिट रिस्क को अपने मैनेज कर सके. डीबीएस बैंक का सीईओ आपको पता होना चाहिए, तो मिस्टर पीयूष गुप्ता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री विल बिकम द न्यू 9th मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अगेन ये एससीओ रिलेटेड क्वेश्चन है. एक और अभी हमने डिस्कस किया था जो था टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, तो उसमें वाराणसी आंसर था. अब पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एससीओ में 8 मेंबर्स है, तो अभी 9th मेंबर के रूप में किसको इसमें शामिल किया है, किस देश को, ये वो क्वेश्चन है. कौन सा देश शांघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य बन जाएगा? ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी नेपाल. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी ईरान. ईरान विल बी द 9th मेंबर ऑफ एससीओ. और जानकारी देख लीजिए, एससीओ हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, बीजिंग चाइना में है. अपकमिंग समिट मैंने आपको बता दी थी, उज्बेकिस्तान में है. और अब न्यू प्रेसिडेंसी किसको मिलने वाली है, तो इंडिया को मिलने वाली है. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है एससीओ रिलेटेड बेसिस. नेक्स्ट देखते हैं, ये बुक एंड ऑथर रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है. Who has authored the book Beyond the Misty Veil, Temple Tales of Uttarakhand? Beyond the Misty Veil, Temple Tales of Uttarakhand पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी आराधना जोहरी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आराधना जोहरी. तो उत्तराखंड में आप जैसे जानते हो बहुत सारे पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर है अपने, और सब बद्रीनाथ केदारनाथ सब उत्तराखंड में आता है. तो उन्होंने ये सारे पुराने मंदिर है उनसे जुड़ी हुई जो पुरानी कहानियां है, पुरानी टेल्स है, उनको एक किताब में लिखने की कोशिश करी है. तो आप पढ़िएगा इस बुक को बियॉन्ड द मिस्टी वेल, इसके ऑथर आपसे पूछे जा सकते हैं, वो है आराधना जोहरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इजी डाइनर टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने इजी डाइनर के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है आपके पास ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी इंडसइंड बैंक, डी एचडीएफसी बैंक. इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक. हमारे आंसर बताने से पहले आप गेस करके देखा करो कि क्या आंसर होना चाहिए. तो ये इजी डाइनर के साथ इंडसइंड बैंक ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो जिससे जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो डाइनिंग एक्सपीरियंस है उनका इन्हांस हो सके, और जो उनको काफ़ी सारे अगर वो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं डाइनिंग के बाद, तो फिर उनको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक मिलेगा. इंडसइंड बैंक के सीईओ देख लीजिए कौन है, मिस्टर सुमंत कटपालिया, और हेडक्वार्टर्स का है मुंबई. मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो भी अपने पीएसयूज हैं, पीएसबीज बैंक्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन, सीईओज वगैरह बताए हैं, तो वो भी आप जरूर जाकर हमारे एड्यूसोलेस चैनल पे देख लीजिएगा. चलिए, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट वीएलटीडी व्हीकल्स विद ईआरएसएस? वीएलटीडी का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, इट स्टैंड्स फॉर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस. तो जिससे कि व्हीकल का लोकेशन कहाँ पर है उसको ट्रैक किया जा सके. ईआरएसएस है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम. सो वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है आपके पास ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरला. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश. सो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, वहां पे जो भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनमें वीएलटीडी यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा है उसको ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ दिया है. तो उससे क्या होगा कि इसको अब मॉनिटर करेंगे वहां का पुलिस डिपार्टमेंट भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी.
तो इससे अगर कोई व्हीकल चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका तुरंत मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ में व्हीकल्स में पैनिक बटन्स रहेंगे, तो जिससे विमेन और चिल्ड्रेन सेफ्टी के लिए अगर आपको कोई भी इमरजेंसी केस में कुछ आपको किसी भी चीज की समस्या लगती है तो आप वो पैनिक बटन प्रेस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसका सिग्नल थ्रू सैटेलाइट सीधे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है, यानी 112 नंबर है, उस पे वो सिग्नल पहुंच जाएगा और आप डायरेक्टली पुलिस के साथ आप कम्युनिकेट कर सकोगे। ठीक है, तो एक बहुत ही ये अच्छा आप कह सकते हो इनिशिएटिव लिया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, और साथ में एक्सीडेंट्स होते हैं या व्हीकल थेफ्ट होते हैं तो उसकी भी ट्रैकिंग इसके थ्रू की जा सकेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए गोताबया राजपक्षा, ऑप्शन बी महिंदा राजपक्षा, ऑप्शन सी रनिल विक्रम सिंघे, ऑप्शन डी दिनेश गुणवर्धन। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश गुणवर्धन। आपको जैसे पता है श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो वहां पे अभी तक प्रेसिडेंट थे वो थे गोताबया राजपक्षा, और वो अचानक ही मालदीव्स उड़ के चले गए, भाग गए। उस केस में जो रनिल विक्रम सिंघे थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया और अब उनको फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और दिनेश गुणवर्धन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अभी जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे महिंदा राजपक्षा थे, जिनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया वहां पे क्राइसिस के चलते, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पे। मैंने पूरा वीडियो बना के चैनल पे डाल रखा है, प्लीज वो जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है किस तरीके से पहले सिविल वॉर हुए और किस तरीके से ये करप्टेड पॉलिटिशियंस थे जिसने कि श्रीलंका की इकोनॉमी को इतना वीक कर दिया, और वहां पर अभी क्या करेंट सिचुएशन है ये सब आप जानकर उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो रनिल विक्रम सिंघे इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड दिनेश गुणवर्धन इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप टूर्नामेंट 2022? कौन सा देश एशिया कप टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके पास इंडिया यानी भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी क्या है, जो एशिया कप है वो श्रीलंका में होने वाला था, बट जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और साथ में जो श्रीलंका प्रीमियर लीग था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो वहां पे मिनिस्टर ने बोला कि अभी हम यहाँ पर हालत नहीं है हमारी ऐसी कि हम ये एशिया कप होस्ट कर सके, इसलिए जो एशिया कप है वो श्रीलंका की जगह यूएई में होगा और इसको T20 बेसिस में फॉर्मेट में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप सभी को पता होगा आई गेस, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कौन है जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, या ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। सो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू जी। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हम आपको और बता देते हैं, वो भारत की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जो कि 1947 के बाद बॉर्न हुई है। आज तक जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो बिफोर इंडिपेंडेंस बॉर्न हुए हैं, और साथ में वो पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि इतने बड़े पद पर पहुंची है। सो शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और साथ में सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया है, उनकी लाइफ के बारे में, जब वो कहाँ पे वो पैदा हुई, कहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई, इसके पहले उन्होंने कौन कौन सी उनकी पॉलिटिकल जो भी उनकी हिस्ट्री रही, जैसे इसके पहले वो गवर्नर ऑफ झारखंड थी, तो शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ झारखंड, तो उनके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया है। आप प्लीज द्रौपदी मुर्मू जी का वीडियो जाकर पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 22nd जुलाई? 22 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस, सी वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस, या ऑप्शन डी वर्ल्ड ब्रेन डे या विश्व मस्तिष्क दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे
ऑब्जर्व किया जाता है जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रिलेटेड टू ब्रेन इश्यूज, ब्रेन हेल्थ इश्यूज। और इस साल का थीम क्या रखा गया है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। तो आपसे इस तरीके के डेज इवेंट्स पूछे जाते हैं और उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप ये याद रखिएगा, थीम इज ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वनिर्भर नारी स्कीम, किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। ये अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी असम। अब स्वनिर्भर नारी स्कीम के बारे में आपको हम बताते हैं, तो ये किस लिए है, जो भी इस स्टेट में जो भी विमेन है जो हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, आर्टिशन फैमिलीज की है, तो उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको एक फाइनेंशियल ये कह सकते हो सपोर्ट दे रही है, उनसे वो डायरेक्टली हैंडलूम से परचेज करेंगी गवर्नमेंट एंड एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। तो जिससे क्या होगा, उनको भी एक अच्छे दाम मिल सकेगा उनके वर्क का, हैंडलूम्स का। तो ये किसका इनिशिएटिव है, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, स्वनिर्भर नारी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की सूची, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है, मैंने पूरी बनाई है। बेस्ट फीचर फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है सूरराई पोटू को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है सूर्या को, सूरराई पोटू को और के लिए, और अजय देवगन को तानाजी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बाल मुरली को सूरराई पोटू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है सचिदानंदन के आर को सूरराई पोटू के लिए। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यानी सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के लिए पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भी इसके लिए इसमें सर्टिफिकेट मिला था और ये अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। तो ये पूरी लिस्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज। शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी यानी यूके। तो अब इस एमओयू का क्या इंपॉर्टेंस है आप सुनिए। अब जैसे इस एमओयू से क्या होगा, अगर आप यूके में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो या बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री लेकर आते हो तो उसको इक्विवेलेंट टू इंडियन डिग्री माना जाएगा, और अगर यूके में भी आप पढ़ाई करके इंडिया आते हो तो वो भी आपको इंडिया में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसके थ्रू मिल सकेगी। तो इसमें अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इंक्लूड की गई है, और प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे कि इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आर्किटेक्चर की, वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो इट्स मेन एम इज टू फैसिलिटेट क्लोजर अलाइनमेंट ऑफ एजुकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूके जाके पढ़े और यूके के इंडिया आकर पढ़े, तो जिससे दोनों ही जगह दोनों ही डिग्री की मान्यता इसमें प्राप्त होगी, तो आप दोनों ही जगह पढ़ के दूसरी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपने लिए पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है। ऑप्शन है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, सारण बिहार, सी नांदेड महाराष्ट्र, डी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुरहानपुर मध्य प्रदेश। तो हर घर जल, ये जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑन 15 अगस्त 2019। तो गवर्नमेंट का मेन एम यही था कि स्वच्छ पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन, नलों के थ्रू स्वच्छ पानी हर एक घर में प्रदान प्राप्त पहुंचाया जा सके, जिससे कि लोगों में गंदे पानी से जो बीमारियां हैं वो ना हो। तो जो आपको बता दें 2019 में जब जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, उस समय बुरहानपुर में सिर्फ 30% ऐसे घर थे जहां पर ये ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन था,
और अब 2022 में 100% हाउस होल्ड में इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जल जीवन मिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्यों लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन लॉन्च रिसेंटली, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम बताए। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सागर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वरुण। तो वरुण एक पहला इंडिया का पैसेंजर ड्रोन है विच कैन कैरी 130 kg ह्यूमन पेलोड, और इसको किसने डेवलप किया है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कंपनीज दैट टाइड अप टू लॉन्च डिजीवाणी कॉल सेंटर्स, उन कंपनियों के नाम बताइए जिन्होंने डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए करार किया है। ऑप्शन ए आपका है सिडबी एंड गूगल, ऑप्शन बी फिकी एंड फेसबुक, ऑप्शन सी सीआईआई एंड माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन डी नास्कॉम एंड गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नास्कॉम एंड गूगल। तो डिजीवाणी कॉल सेंटर्स क्या है फ्रेंड्स? जो भी विमेन फार्मर्स हैं वो इस पे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकती हैं, और साथ में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यू लॉन्च होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अगर उसके अंडर कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिर वो अपना बिजनेस इसके थ्रू स्केल अप कर सकेगी। तो डिजीवाणी कॉल सेंटर्स को अभी पायलट बेसिस पे 6 states में रन हो रही है। वो 6 states हम आपको नाम बता देते हैं, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। तो इन 6 states पे पायलट बेसिस पे ये स्कीम रन की जा रही है डिजीवाणी कॉल सेंटर, जिससे कि जो विमेन फार्मर्स हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की, और वो अपने बिजनेस को स्केल अप इसके थ्रू कर सके। विच एक्टर हैज बीन ग्रांटेड गोल्डन वीजा बाय यूएई गवर्नमेंट, यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी कमल हासन, ऑप्शन सी रजनीकांत, या ऑप्शन डी आमिर खान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कमल हसन। तो कमल हसन आपको जैसे पता होगा वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, तो उनको ये गोल्डन वीजा मिला है विच इज अ लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीजा एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 to 10 years। एक तरीके का ऑनर है जो डिफरेंट फील्ड्स और प्रोफेशनल्स को देती है यूएई गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूएई के प्रेसिडेंट आप देख लीजिए कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहियन। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मंकी पॉक्स वैक्सीन विच इज अप्रूव्ड इन यूरोप, मंकी पॉक्स के टीके का नाम बताइए जिसे यूरोप में अनुमोदित किया है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है मंकी पॉक्स जो कि बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया है, इंडिया में भी जो इसका पहला केस है वो केरला में रिपोर्ट हुआ है, तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो इसकी वैक्सीन अभी एक बनी है जिसे अप्रूव किया है, उसका नाम है ऑप्शन बी इमावेनेक्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए मंकी पॉक्स वैक्सीन जिसको अप्रूव किया है यूरोप में उसका नाम है इमावेनेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशनलाइज्ड बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज, हाल ही में किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसमें ऑप्शंस है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन बैंक, या डी पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो वो व्हाट्सएप पे बैंकिंग सर्विसेज पहले से ही प्रोवाइड कर रही हैं। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया स्टार्ट किया है व्हाट्सएप पे, तो जिसके थ्रू आप जो अपना अकाउंट बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट है, ये सब व्हाट्सएप के पे ही आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, सो कस्टमर्स कैन चेक अकाउंट बैलेंस एंड मिनिमम मिनी स्टेटमेंट ऑन दिस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। SBI के चेयरमैन आपको पता होने चाहिए मिस्टर दिनेश कुमार खारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी अविनाश सेबल, या ऑप्शन डी अन्नू रानी।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा जी। ये एक बहुत ही गर्व प्राउड की बात है हमारे लिए कि नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो आज तक इंडिया ने इसके पहले सिर्फ एक ही मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है, वो है ब्रॉन्ज, जो कि अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने लॉन्ग जंप में जीता था इन 2003 WAC पेरिस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो करंट WAC चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थे वो कहाँ हेड हुए वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दीज आर हेड इन यूजिन US। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज कुवैत न्यू प्राइम मिनिस्टर, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है शेख सबा अल कहलद, ऑप्शन बी अब्दुल्ला हमदोक, ऑप्शन सी अहमद नवाज अल अहमद, ऑप्शन डी बरहम सलीही। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहमद नवाज अल अहमद। तो फ्रेंड्स पहले जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर थे वो शेख सबा अल कहलत जी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब उनकी जगह पे अहमद नवाज जी को चुना गया है। बाकी ऑप्शन बी जो आप देख रहे हो उनका नाम आपने सुना होगा अब्दुल्ला हमदोक जी का, ये सूडान के प्रधानमंत्री है और ये बरहम जी इराक के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कुवैत कैपिटल पता होनी चाहिए, कुवैत सिटी है। ठीक है, चलिए ये मैंने फिर अगेन एक टेबल बनाई है रिलेटेड टू रीसेंट अमेंडमेंट्स टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय ध्वज संहिता में हालिया संशोधन। तो ये आपको पता होने चाहिए, अभी रिसेंटली फ्लैग कोड इंडिया में 2 बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 1 December 2021 में और एक अभी हाल ही में 2022 में। सो फ्रेंड्स अभी गवर्नमेंट चला रही है हर घर ध्वज की स्कीम, ये प्रमोट कर रही है जिससे हर घर में झंडा हो, हर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन हर हॉस्पिटल में झंडा फहराया जा सके, जिससे कि लोगों की जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग है उससे और ज़्यादा अटैचमेंट हो और पेट्रियोटिक जो भावना है वो लोगों में जागरूक हो। तो पहला अमेंडमेंट दिसंबर में किया गया जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो फ्लैग्स थे जो कि अभी तक सिर्फ कॉटन सिल्क वूल से बन रहे थे, हैंडमेड थे, उनको अब पॉलिस्टर प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, मशीन मेड फ्लैग्स भी बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो फ्लैग्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी मात्रा में रहे, जिससे कि हर जन हर घर तिरंगा का जो उनका सपना है वो पूरा हो सके और जिससे कि फ्लैग्स की कोई कमी ना हो। तो पहला जो अमेंडमेंट यही हुआ कि अलाउइंग द यूज ऑफ पॉलिएस्टर अपार्ट फ्रॉम कॉटन सिल्क वूल सिल्क, जिससे कि हैंडमेड एंड हैंड स्पन के साथ मशीन मेड फ्लैग्स भी बनाए जा सके। और दूसरा जो इसमें अमेंडमेंट किया है जो हाल ही में किया गया है 2022 में, वो ये है कि अभी तक जो झंडा था फ्लैग था वो सिर्फ फ्लोन हो सकता था फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, बट अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप ये 24 आवर्स अपना फ्लैग है वो आप फ्लो कर सकते हो अपने बिल्डिंग्स और हाउसेस में, सो इट कैन बी डिस्प्लेस थ्रू आउट डे एंड नाइट। तो ये दो अमेंडमेंट्स थे जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में किए गए हैं। ठीक है, चलिए हाँ, हु हैज डिजाइंड इंडियन फ्लैग ये भी पता होना चाहिए। सो मिस्टर पिंगाली वेंकैया हैज डिजाइंड इंडियन फ्लैग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। पसंद आ रही हो हमारी इंफॉर्मेशन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर द पुलिस, किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। तो ये स्मार्ट ई बीट सिस्टम क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे जो भी पुलिस जो अटेंडेंस अपनी लगाती थी वो मैनुअली लगाती थी, तो इसलिए पूरी अच्छे तरीके से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। अब क्या है कि उनको पुलिस को अपनी जो अटेंडेंस है वो ऐप पे लगानी है, तो जिससे जो उनके हेड हैं तो वो इससे मॉनिटर कर सकते हैं कि जो पुलिस है वो जो बीट पॉइंट्स है वहां पर पहुंची कि नहीं। तो इस तरीके से पेट्रोलिंग का पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकता है और जैसे तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस फिर वहां पर है कि नहीं तो वो पता लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबिलिटी भी इसमें फिक्स हो सकेगी। सो दिस इज ऐप बेस्ड सिस्टम इज लॉन्च्ड अंडर स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव, स्मार्ट ई बीस्ट को स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया है एंड इट हैज डिजिटाइज पुलिस अटेंडेंस एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल। आगे चलकर ये जो स्मार्ट ई बीट है इसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है यानी 112 उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जिससे तुरंत ही आप कॉल करेंगे तो
ये जो पुलिस के जो मोटर बाइक राइडर से तुरंत ही उस स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टेप है आई थिंक सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बेंगलोर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बेंगलुरु। तो ये ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के पहला बनाया गया है जिससे कि जो भी पेशेंट्स हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो तुरंत अगर कोई इस बीमारी से सफर कर रहा है तो उसको डायग्नोस किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके और फॉलो अप लिया जा सके। तो दिस क्लिनिक इज लॉन्च अंडर कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर ये पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में एट जयानगर जनरल हॉस्पिटल। ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन इससे भी बना के पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन नेम्ड एज अ रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट। अग्रणी धनवान महिला सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ए नीता अंबानी, बी फाल्गुनी नायर, सी किरण मजूमदार शॉ और डी रोशनी नदार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रोशनी नदार। आपने इन सभी के नाम सुने होंगे। नीता अंबानी जी वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है, फाल्गुनी नायर जी ये नायका की चेयरपर्सन है जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड है, किरण मजूमदार शॉ ये बायोकॉइन की चेयरपर्सन है और रोशनी नदार जी HCL की चेयरपर्सन है। जो शिव नदार जी थे वो HCL के फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडर थे और उनकी ये सिर्फ एक अकेली संतान है रोशनी नदार जी, तो वो अब इनकी चेयरपर्सन बन गई हैं एंड शी हैज बीन लिस्टेड एज द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है डेज एंड इवेंट्स रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डे भी पूछा जाता है और थीम भी पूछी जाती है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, वो है ऑप्शन ए यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और इसकी थीम है इस साल की लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। अब जैसे पता है अर्थ है हमारी वो काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इन सब से मतलब हमें अपने अर्थ को बचाना है और साथ में नेचुरल रिसोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए डे ऑब्जर्व होता है 28 जुलाई और ये साल का थीम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। समर ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेरिस। सो फ्रेंड्स 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होंगे। ये थर्ड टाइम है जब पेरिस में समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होंगे, इससे पहले 1900 यानी 1900 और दूसरी बार 1924 यानी 1924 में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो ये थर्ड टाइम पेरिस में ऑर्गेनाइज होंगे और ऑफिशियल स्लोगन क्या रखा है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो रखा गया है गेम्स वाइड ओपन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी सूडान। अब आप देखोगे ये सारे ही वैसी कंट्रीज है जहां पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इनकी करेंसी जो है उसकी जो वैल्यूएशन एकदम गिर गई है, तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है मोसी ओआ तुनिया। उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है टोंगा लैंग्वेज होती है जिम्बाब्वे की, जिसमें इसका मतलब होता है विक्टोरिया फॉल। लॉन्च के समय एक कॉइन की कीमत थी $1.824।
तो इसको एज अ लिक्विड असेट ही ट्रीट किया जाएगा, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इस कॉइन को, और ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी तेलंगाना। सो फ्रेंड्स, ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो इसमें गवर्नमेंट का टारगेट किए हैं अपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को, जिसमें कि स्टैंडर्ड 1 to 5 को फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होगा, जिसमें कि आपको सांभर मिलेगी वेजीज के साथ, जिससे कि मतलब एक न्यूट्रिशियस मील मिल सके चिल्ड्रेन को। ठीक है, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड इन विच सिटी। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में शुरू हुए? ऑप्शन ए रोम, बी पेरिस, सी सिडनी, या डी बर्मिंगम। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बर्मिंगम। तो बर्मिंगम में ये गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें टोटल 54 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया की अगर मेडल टैली की बात की जाए तो काफी अच्छी चल रही है, वो हम आपको आगे बताएंगे, और आगे चलकर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली पे भी एक पूरा वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे। तो पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह वर द इंडियाज फ्लैग बेयरर। ठीक है, उन्होंने इसमें अपना इंडिया के ध्वज को लेकर वो आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज इमर्ज एज टॉप FDI कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेशन इन इंडिया। कौन सा देश भारत में शीर्ष FDI योगदान करने वाले देश के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए US, बी सिंगापुर, सी मॉरिसस, या डी स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सो FDI का जो इंडिया में बात की जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अराउंड 74% इंक्रीज हुआ है। वो गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि FDI जो है कि 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ हो गया है बहुत से सेक्टर में। तो एक तरीके से इंडिया को काफी बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनाया है गवर्नमेंट ने। काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेटरी बैरियर्स है, वो कम किए हैं, तो जिससे कि इंडिया को एक वन ऑफ द मोस्ट ये FDI फ्रेंडली स्टेट माना जा रहा है। तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया गया है, और जो सबसे ज्यादा स्टेट्स जिनको FDI मिली है वो है कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शंस ए है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात, या डी महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। सो अभी इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत क्या है, गवर्नमेंट्स है वो इंसेंटिव और सब्सिडाइज प्रोवाइड कर रही हैं टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। जैसे आपको पता है सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिलनी होती है, चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, रेडियो हो। तो गवर्नमेंट धोलेरा सेमिको सिटी डेवलप कर रही है, जिसके अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको 75% सब्सिडी दी जाएगी ऑन परचेस ऑफ 200 एकर लैंड्स फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन फंक्शन एज नोडल एजेंसी फॉर दिस पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हु हैज वन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए मीराबाई चानू, बी पीवी सिंधु, सी विनेश फोगाट, डी साक्षी मलिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। सो फ्रेंड्स, मीराबाई चानू जी ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी करंट की बात की जाए तो इंडिया के पास 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीत चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स में। आई होप इस तरीके से ये मेडल टैली है जो बढ़ती रहे इंडिया की,
आप लोग भी देखते रहिए कॉमनवेल्थ गेम्स। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ओवर होता है ये टॉप 50 क्वेश्चंस का। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। और भी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। बट प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।